अच्छा, दिन का ट्रेन का टाइम हो जाएगा, अगर जाना चाहते हैं तो नीचे से बाहर परिसर अभी भी निकल सकते हैं। 3 बजे है, 5 बजे जाती है, 5 बजे ट्रेन है, 1 घंटे 4 बजे यहाँ से उठना चाहिए ना, 4 बजे का पूरा हो जाएगा। हाँ जी, अमरनाथ केदारनाथ तरफ है, अमरनाथ केदारनाथ विश्वनाथ ऐसे तो यूपी की तरफ है, और उड़ीसा में जो है जगन्नाथ है, इसलिए कि और नाथ जो है वो गरीब निवाज नहीं है। क्या गरीब निवाज नहीं है? और जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो सारी दुनिया में गरीबों की संख्या ज्यादा होती है कि साहूकारों की संख्या ज्यादा होती है? गरीबों की संख्या ज्यादा होती है, और दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब कहाँ होते हैं? उड़ीसा में सबसे ज्यादा गरीब होते हैं। क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ है कि नहीं? ऐसे ही बोल दिया क्या? करना है आकर के बैठ गई है, सरेंडर करने घर में आके बैठ गई, सरेंडर करने घर में आके बैठ गई। वो तो बिहार में भी बैठ गई, एक भी मधुबन आदित्य को बना है, एक भी मधुबन आदित्य को बना। चलो अब बन जाएगा, अब तो पक्का हो गया। हाँ, ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जो गायन है भूख बेचारी कंडा खाए। कंडा काहे से बनता है? गोबर से, वो भी गोबर सूख जाता है तब कंडा कहा जाता है। भूख ऐसी चीज है कि भूखा आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, मरता है क्या न करता। ऐसा जीवन सिर्फ उड़ीसा में ही देखने में आता है लोगों को, विनाश के टाइम पर नहीं, महाविनाश होगा तब तो सारी दुनिया में हाल खराब हो जाएगा, लेकिन सामान्य जब टाइम होता है तब भी ऐसे हालात यहाँ होते रहते हैं। तो भगवान कहाँ आते हैं? भारत में तो आते हैं, लेकिन भारत में तो बड़े बड़े टाटा बिरला साहूकार हैं, उनके पास नहीं आते हैं। कहाँ आते हैं? है गरीबों की दुनिया में आते हैं, गरीबों को आकर के उठाते हैं। इसलिए जिस दुनिया में, भारत के जिस क्षेत्र में बहुत गरीबी छाई हुई है, वहां यादगार बनी हुई है किसकी? जगन्नाथ की। जगतनाथ माना सारे जगत का नाथ, सारे जगत की मनुष्य आत्माओं को शरण मिलती है। तो 36 प्रकार के भोग खिला करके शरण मिलेगी क्या? है नहीं, 36 प्रकार के भोग तो श्रीनाथ में मिलते हैं, सबको मिलते हैं क्या? नहीं, नोट देते हैं उनको मिलते हैं, जो नोट नहीं दे सकते उनको नहीं मिलते हैं। और जगन्नाथ में कोई कैसा भी गरीब हो, एक फूटी कौड़ी भी न दे सकता हो तो भी उसको भरपेट भोजन मिलेगा। तो ये यादगार है पूरब की। पूरब में, पूरब
दिशा किस लिए प्रसिद्ध है? हैं? सूर्योदय होता है। जहाँ सूर्योदय होता है वहाँ के बच्चों की क्या हालत हो जाती है? ऐसे हालत जब खराब हो जाते हैं तो भगवान यहाँ ऐसे क्षेत्र में प्रख्यात होते हैं, और प्रख्यात होने की भी अजब निराली शान है। क्या क्या शान है? जितना तुम बच्चे मेरे को गालियां देते हो उतना और कोई क्षेत्र में गालियां नहीं देते हैं। कोई मंदिर ऐसा देखा जहाँ के ठाकुर जी को वहां के भगत लोग ही गरियाते हो? हैं? अगर गालियां न दे तो उनका रथ आगे बढ़ता ही नहीं। भाई गाली देने की शूटिंग कैसे पड़ जाती है? महिमा तो करनी चाहिए, वो तो मालूम है, पर गाली क्यों देते हैं? भगवान आता है तो कलंकीधर बन के आता है कि निष्कलंक गोरा बन के आता है? कलंक धारण करके आता है ना, तो लोग नहीं समझ पाते हैं तो गालियां देंगे, या समझ लेते हैं तो गालियां देंगे? नहीं समझ पाते हैं तो गालियां देते हैं। और कोई को गालियां मिलती हैं, कोई को दुख मिलता है, कोई को ग्लानी मिलती है, कोई को खराब चीज मिलती है, कोई को खराब संबंधी मिलते हैं, खराब संपर्क वाले मिलते हैं। तो अपने पूर्व जन्मों का हिसाब किताब होता है या ऐसे ही मिल जाते हैं? हैं? पूर्व जन्मों का हिसाब किताब होता है। तो भगवान जिस मुकर्रर रथ में आता है और उस मुकर्रर रथ को कौड़ी जैसे जीवन से बदल करके क्या बना देता है? हीरे जैसा हीरो पाटधारी बना देता है। तो क्या ऐसे ही बन जाएगा? पूर्वजों के हिसाब किताब पूरे करने पड़ेंगे कि नहीं? इतना बड़ा राजा बनता है विश्व का मालिक तो जन्म जन्मांतर राजाई प्राप्त की होगी ना? नहीं प्राप्त की होगी? जितना बड़ा योगी उतना बड़ा सहयोगी, और जितना बड़ा सहयोगी उतना बड़ा राजा। तो भारत के राजाओं ने अहंकार में आकर के पब्लिक को ज्यादा दुख दिया है या कम दुख दिया है? जितना बड़ा राजा उतना बड़ा दुखदाई। इसलिए गायन है, तप कर राज, राज कर नरका। बड़ा कहावना आती दुख पावना। तो आखिरी जन्म में जब भगवान आते हैं, जिस मुकर्रर रथ में आते हैं, उस तन को सबसे जास्ती सहन करना पड़े, सबसे जास्ती गालियां खानी पड़े या कम खानी पड़े? मुरली में क्या बोला? सबसे जास्ती गाली कौन खाता है? कौन खाता है? दो शब्द हैं, शिव और बाबा। वो शिव जो बिंदी है उसको गाली लगती है? गाली दे अभिमानी को लगेगी? दे अभिमानी सांधा गाली खाने का अनुभव करेगा या आत्माभिमानी अनुभव करेगा? है? जो दे अभिमानी होगा उसको गाली चिपकेगी, वो तो आत्माभिमानी है सदैव, उसको तो गाली लगती नहीं। न वो प्यार लेता है न देता है, न सम्मान लेता है न सम्मान देता है। ये लेन देन तो शरीर के द्वारा होता है। तो जिस तन में प्रवेश करता है
वो सबसे जास्ती गालियां खाता है। उसका नाम पड़ता है शिव बाबा, नहीं तो उसका नाम सिर्फ क्या है, शिव है, वो बाबा नहीं है। तो बाबा को गालियां सबसे जास्ती खानी पड़े। और बाबा आज मुरली में जो बताया कि श्याम सुंदर के बारे में है, तो सुंदर तो गोरा हो गया जो अनिश्चय होता नहीं है, है? तो अभी जैसे रामकृष्ण कहते हैं बड़े का नाम पहले लेते हैं छोटे का नाम बाद में, तो श्याम सुंदर क्यों कहा? श्याम सुंदर एक है या बड़ा छोटा है या एक है? एक ही है ना। तो जो एक है उसमें दो आत्माएं भोगता है या एक आत्मा भोगता है? है भोग करने वाली आत्माएं दो हैं या एक है? है दो है, एक है। सुप्रीम सोल तो भोग नहीं करता, वो तो अभोक्ता है। रामकृष्ण की आत्माएं तो भोगता है। उन भोक्ताओं के बीच में श्याम पार्ट बजाने वाला कौन है, कोई है या नहीं है? कौन है जो श्याम पार्ट बजाता है? एक होता है काला पार्ट, काला मुंह करने का पार्ट, काला मुंह करते भी हैं और कराते भी हैं। काले कृष्ण की महिमा होती है या गोरे कृष्ण की महिमा होती है? है महिमा किसकी होती है? अरे पूजा किसकी होती है? काले कृष्ण की महिमा करते हैं, साथ में राम भी काला उसकी भी महिमा करते हैं, जगन्नाथ भी काला उसकी ना उसकी भी महिमा करते हैं। बाबा कहते हैं श्रीनाथ जगन्नाथ हैं एक ही चीज, तो महिमा दोनों की करते हैं। तो संपन्न रूप की महिमा करते हैं या अधूरे रूप की महिमा करते हैं? जब संपन्न हुआ उस समय की महिमा है, और अभी तो गाली खा रहे होंगे या महिमा ले रहे होंगे, अभी तो गाली खाने का पार्ट है। तो सवाल ये है दोनों आत्माओं के बीच में गाली कौन खाता है? अरे जिसमें देह अभिमान होगा अज्ञान होगा वो ही गाली ज्यादा खाएगा, भूत प्रेतों को ज्यादा गुस्सा आता है, ये जिसमें प्रवेश करते हैं भूत प्रेत उसको ज्यादा गुस्सा आता है? किसको आता है? है जिसमें प्रवेश करते हैं उसको गुस्सा आता है, भूत प्रेतों को गुस्सा आता है, क्योंकि भूत प्रेत आत्माएं इस समय रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश कर रही है। वो जब तक ज्ञान पूरा नहीं समझ पा रही है तब तक वो उल्टा काम कराएंगी या सच्चा काम कराएंगी? उल्टा काम कराती है। और उल्टा काम करने का जो अंजाम है वो देहधारी को भुगतना पड़ता है या प्रवेश करने वाली आत्मा को भुगतना पड़ता है? देहधारी को भुगतना पड़ता है। ये पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है, 63 जन्मों का। सहन शक्ति का मादा कृष्ण की आत्मा में ज्यादा है या राम की आत्मा में ज्यादा है? कृष्ण की आत्मा यहाँ संगम युग में भी सहन शक्ति में भरपूर बन करके रहती है और प्रैक्टिकल प्रूफ भी है।
और राम वाली आत्मा वो तो सामना करने वाली है, मुकाबला करने वाली है, एक की सौ सौ गिनाने वाली है, वो तो सहन करने वाली नहीं है। तो यहाँ जो संस्कार भरे हैं वो संस्कार तेसर जन्म में भी रहेंगे या नहीं रहेंगे? हैं? रहेंगे। तो राम वाली आत्मा ने द्वापर कलयुग में भी ब्रह्मा वाली आत्मा को सहन कराया होगा कि नहीं कराया होगा? है, कराया होगा। ब्रह्मा वाली आत्मा ने सहन किया होगा। यज्ञ के आदि में भी जब झगड़ा हुआ था तो एंटी ओम मंडली थी या नहीं थी? जब एंटी ओम मंडली निकली तो उसका कोई मुखिया भी रहा होगा कि नहीं रहा होगा? है, तो सबसे ज्यादा दुख देने वाला दुखदाई उस समय कौन हुआ? है, राम वाली आत्मा। तो इस जन्म का भी हिसाब किताब और तेसर जन्मों का भी हिसाब किताब वो पूरा कैसे होगा, कब होगा? अभी होगा। वो ब्रह्मा जैसी आत्माएं अथवा उनके फॉलोअर्स आत्माएं सतगुरु में कम कला के नारायण बनने वाली आत्माएं वो सहन शक्ति वाली है, नंबर बार तो है। नंबर बार सुखदाई और दुखदाई तो होते ही है। तो ब्रह्मा के व्यक्तित्व को जिन्होंने दुख दिया वो हिसाब किताब कब पूरा होगा? सतयुग में, त्रेता में कहाँ होगा? अभी संगम में ही पूरा होता है। तो वो आत्माएं पहले ही शरीर छोड़ देती हैं, सूक्ष्म शरीर धारण करती हैं और सूक्ष्म शरीर धारण करके प्रवेश करके वो अपना हिसाब किताब पूरा कर लेती है। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, क्या काला काम कोई और करे और ग्लानी कोई और सहे? नहीं तो राम वाली आत्मा को तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है या व्यभिचारी दिखाया गया है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसका पार्टी है एकलव्य, कोई देहधारी से लगाव नहीं। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, सबसे उसी टाइम से जिस टाइम के लिए घोषणा की थी मुरलियों में, आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है, ये आत्मा के अंदर की बात है, शरीर की बात नहीं है। आप मुए मर गई दुनिया, ऐसी स्टेज बनावेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए अपनी आत्मा के अंदर अपनी दुनिया बनाना शुरू कर देंगे। हर आत्मा के अंदर, हर आत्मा रूपी सितारे के अंदर अपनी अपनी दुनिया समाई हुई है। इस जन्म में ये साथी, उस जन्म में वो साथी, 84 जन्म में टोटल मिलाकर के इतने साथी। हर एक की अपनी अपनी अलग अलग दुनिया हुई कि सबके एक ही जैसे साथी होंगे? अलग अलग जन्मों में अलग अलग संगी साथी होंगे,
अलग अलग संबंधी होगी, वो ही उस आत्मा की दुनिया हो गई। इसलिए गायन करते हैं वैज्ञानिक लोग भी समझते हैं क्या कि हर सितारे में दुनिया समाई हुई है। तो खोज करते फिरते हैं, मंगल ग्रह पर जाते हैं, चंद्रमा पर जाते हैं। अब उन स्थूल सितारों की तो बात है ही नहीं, यहाँ की बात है। और बाबा जगन्नाथ मंदिर के जो भोग लगता है दाल चावल, उसको महाप्रसाद कहते हैं, प्रसाद नहीं महाप्रसाद, क्यों बाबा? ये अंतिम प्रसाद है क्या? इससे पहले और देवताओं का प्रसाद होता है, लेकिन ये महाप्रसाद है। बाबा उसमें एक चलन और भी है कि वो जो प्रसाद जब होती है, जो एक माता होती है जगदम्बा जिसको बिमला माता बोलती है, उनसे अगर वो पास होके नहीं आती तो महाप्रसाद नहीं बनती। हाँ ठीक बात है। तो बाबा वो एक मिनट, वो बिमला माता मतलब वो जगन्नाथ पर लागू होती है क्या बाबा? बी माने विशेष और मला माने मल, बी माने विपरीत और मला माने गंध। तो विमल का जो पार्ट है वो लक्ष्मी उतना नहीं बजाती है जितना जगदम्बा बजाती है। कीचड़ में रह करके भी कमल फूल समान जीवन बिताती है, आत्मा से एकदम निर्लिप्त, आत्मिक स्मृति एक की ओर और देह से संबंध निभाना, इसलिए बिमला नाम पड़ा है। उसको जब तक भोग न लगे क्या, उसका जब तक भोग न लगे, जो दूसरी यादगार भी है तुलसी की, क्या यादगार है? भगवान का भोग कब तक नहीं माना जाता? जब तक उसको तुलसी का भोग नहीं लगाया जाएगा तब तक भगवान का भोग पूरा नहीं होगा। ऐसे ये बिमला है। जगन्नाथ में भी वो मान्यता चली आ रही है। और लक्ष्मी जगन्नाथ दिखाया है हमारा, लक्ष्मी जगन्नाथ दिखाया है कि लक्ष्मी जब चली गई उसके तो उसका बड़ा भाई जो है वो बोले कि जगन्नाथ को तुम उसको बाहर निकाल दे, ये चांदाली हो गया क्योंकि वो बाहर चंदा के घर है तो रुक के चल गई थी। तो हमारा यहाँ तो अभी रुक के नहीं चली गई। अब रुद्रमाला में जो महालक्ष्मी है वो रूठ के गई कि नहीं गई? अरे गई कि नहीं गई? कब गई? 2000 गई ना, उसके बाद 12 वर्ष और हैं, तो 12 वर्ष वो भटकने का पार्ट रुदा हुआ है। कहाँ गई? चांडालों के यहाँ गई या ब्राह्मणों के यहाँ गई? है चांडालों के यहाँ गई, चांडालों के यहाँ, वहाँ कोई संबंधी संबंध नहीं मानते हैं। कंपिला गांव में एक ऐसा भंगी जिसका लड़का 10 साल का और बहु ब्याह के लाया 17 साल की, हट्टी कट्टी मोटी ताजी, और फिर उससे बच्चे भी पैदा हुए, लड़का 13-14 साल का और बच्चे भी पैदा हो गए। तो चांडालों में तो सब कुछ चलता है, वो जीवन ऐसा है जिसे शूद्र कहा जाता है, शूद्र
जानवर अच्छे या मनुष्य अच्छे? मनुष्य अच्छे। जानवरों को तो बेचारों को बुद्धि नहीं है, इनको तो बुद्धि भी है। और है दान देकर जो आपस लेते हैं उनको चांडाल कहा जाता है। हाँ, यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा ने क्या तन मन धन सब अर्पण नहीं किया था यज्ञ में? है किया था। फिर जब झगड़ा हो गया तो कोई हिसाब किताब दिया क्या? ब्रह्मा बाबा को हिसाब दिया, देना चाहिए कि नहीं? है देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया तो अंजाम क्या होगा? क्या अंजाम भुगतना पड़े? ऐसे गांव में जन्म होता है, जो बाबा ने बोला मैं ऐसे गांव में आता हूँ जहाँ के लोगों को पेट भर के रोटी भी नसीब नहीं होती, दो रुपया मन आलू मिलता हो छोटा छोटा तो महीने भर आलू ही आलू खाओ। और शेष कया में जो विष्णु सोए हुए रहते हैं हाथ को अपना ये बनाकर सोते हैं, तकिया बनाकर, उसका क्या राज है बाबा? जो बुद्ध रूपी हाथ है ना, बुद्ध रूपी हाथ को अगर आराम के काम में नहीं लगाएंगे तो माथा गर्म नहीं हो जाएगा? है अगर मनन चिंतन मंथन नहीं करेंगे बुद्ध रूपी हाथ से तो कांटों के जंगल में इतने ढेर कांटे लगते हैं तो माथा गर्म होगा कि नहीं? है इसलिए बुद्ध रूपी हाथ लगाए रहते हैं सहारे के लिए, ताकि कोई भी बात कोई भी समस्या कोई भी परिस्थिति सामने आवे तो ज्ञान से हल कर ले, परेशान ना हो। हाँ, श्याम सुंदर का जो बताया है सहन शक्ति के गुण के आधार पर उसका नाम पहले लिया गया। किसका? श्याम का। श्याम सुंदर कोई दोष नहीं है, जो श्याम है वो ही सुंदर बनता है। अभी श्याम का पार्ट बजाय रहा है क्या? काला है आत्मा, काली है या गोरी है? काली है तो जो मनन चिंतन मंथन चलना चाहिए वो नहीं चलता है, बुद्धि में बात आती नहीं। गीता का भगवान कौन? कितना भी समझाया जाए वो मंथन चल ही नहीं सकता। गंध इतना भरा हुआ है कि वो बात बुद्धि में नहीं समा सकती। काले ही काले कर्म होते रहते हैं। कब तक? कब तक होते रहेंगे? नहीं, जब तक वो चंद्रमा सिर पर सवार है, अधूरा चंद्रमा। बैल बैल बुद्धि सिर में समाई हुई है, बैल क्या करेगा? जहां गैया देखेगा तो क्या करेगा? वो तो अपना काम करेगा। बैल की बुद्धि में कोई दूसरी बात आएगी क्या? नहीं आएगी। जानवर तो जानवर आगे पीछे सोचता है क्या? नहीं सोचता। हाँ, जब वो चंद्रमा का हो बैल का हो उसकी सवारी बंद हो जाए और वो उसके ऊपर हाई जंप लगा के छलांग लगा के सवार हो जाए तब फिर दोनों समान हो जाएंगे, तब कहा जाएगा सुंदर। तब तक वो श्याम का श्याम ही पार्ट बजाएगा, सुंदर पार्ट न बजाएगा न बजाने देगा। और तो ब्रॉड ड्रामा में तो दादा लिख रहा है सबसे ज्यादा नीचे गिर जाना चाहिए, तो और सबसे माताएं सबसे नीचे नहीं गिरती है क्या? ऊंची उठ जाती हैं।
जो माता का पार्ट है वो माताएं भारत की माताएं खास नीचे नहीं गिरती है, सबसे जाती तो भारत की माताएं नीचे गिरी हुई है। उनमें मुख्य माता कौन है? है जगदम्बा, तो डब्बा है उसके अंदर पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? फिर और आने के लिए लक्ष्मी को मना कर दिया, श्री मंदिर आने के लिए मना कर दिया, जो वो जो माता जी पूछा ना, हाँ हाँ, तो बलराम बड़ा भाई ने मना किया, कौन बजा रहे हैं ये पार्ट किसी का? हाँ, जो मंदिर में आने के लिए मना कर दिया वो बलराम ने मना कर दिया, वास्तव में वो भगवान नहीं था, कौन? बलराम। उसका तुमने अस्त्र शस्त्र नहीं देखा, उनका अस्त्र क्या है? हल। वो धरणी रूपी कन्याओं माताओं को क्या करता है? है? चीरता है, उसके पास ये अस्त्र है, शस्त्र है। तो किसका अस्त्र शस्त्र है वो? आत्मा कौन है यहाँ? वो मना कर देता है, क्या लक्ष्मी को नहीं आने देंगे? वो मना अकेला नहीं करता, उसका सारा परिवार मना करने में लगा हुआ है, देखे कैसे जाएगी उधर, हम तेरी जासूसी करते रहेंगे। है? लो ऐसे पूछो, अभी तक यही बुद्धि में नहीं बैठा, सारी रामायण खत्म कर दी कि हल चलाने का पार्ट किसका है? है? अरे जब रामायण रची गई तो रामायण में ये बताया गया कि लक्ष्मण को सदैव राम की आज्ञा पर चलना पड़ता था, क्या? हाँ, तो उन्होंने ये शर्त रख दी कि अगला जन्म जब मिले तो मैं बड़ा बनूं, तो बड़े बन गए। तो कृष्ण जी महाराज भगवान को क्या करना पड़े? हैं? उनके अंदर में चलना पड़े, लक्ष्मी को नहीं आने देंगे। अच्छा भैया, तुम्हारी मर्जी। बाबा जब लक्ष्मी को नहीं आने दिया तो दरिद्र बन गए, खाने को भी नहीं मिला दोनों को। अच्छा, तो अभी खाने को मिल रहा है क्या? तुमका रोटी दाल को खाना समझते हो क्या? बाबा ज्ञान तो मिल रहा है अभी बाबा से। ये खाना है, भगवान विकारों का भोग लगाने के लिए आता है या तुम्हारे लड्डू पेड़ा कचौड़ी खाने के लिए आता है? है? फिर ये सब रुद्रमाला के जो मणके बैठे हुए हैं, चाहे स्त्री चोले में है चाहे पुरुष चोले में है, ये सबसे ज्यादा पुराने चोले हैं या नए चोले हैं? पुराने चोले हैं। ये बुढ़े बुढ़िया बैठी हुई हैं 5,000 साल पुरानी। ये धतूरे के फूल हैं या गुलाब के फूल हैं? इसलिए दिखाते हैं जगन्नाथ की जो लीला दिखाते हैं उसमें दिखाते हैं कि न चूल्हा जलता है न लकड़ी में आग लगती है, धुआं ढेर सारा, धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं। जो ग्लानी रूपी धुआं है वो संसार में इतना उड़ता है कि उनकी आंखें अंधी होने लगती हैं। और बाबा है अभी देवताएं हैं या नहीं है? देवात्माएं हैं या नहीं है? नहीं है, है बाबा। देवताओं के पांव धरनी पर नहीं पड़ते, तो कौन है वो देवताएं जिनके पांव धरनी पर नहीं पड़ रहे हैं, ऊपर ही ऊपर उड़ते हैं, फरिश्ते ही बन करके रहते हैं? नहीं पता चला? हाँ, वो इंस्पिरेटिंग पार्टी है,
इंस्पायर करती है, उमंग उत्साह बढ़ाने वाली है, देने वाली है। बुद्धि में ज्ञान बैठना चाहिए। क्या बुद्धि में जब तक ज्ञान नहीं बैठा हुआ है भूत प्रेतों के, तब तक विरोधी है। और जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा तो क्या बन जाएंगे? हनुमान की तरह भगवान राम के दास दासी बन के रहेंगे। धारणाओं देवताओं में होती है या भगवान में होती है? देवताओं में धारणा होती है। तो देव आत्मा धारणा की वाणी चलाएगी या भगवान की तरह ज्ञान की वाणी चलाएगी? धारणा की बात नीचे गिराने वाली? अरे धारणा की वाणी तो वहाँ चलती है जहाँ याद में रहते हैं, गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं कि यहाँ धारणा दिखाते हैं। हाँ, और बाबा हाँ, परम धाम से कब तक आप लोग आ करेंगे? जब तक आखिरी विनाश हो, जब तक पहली आत्मा ऊपर न जाए। जो पहली उतरने वाली आत्मा है वो शरीर छोड़ करके सूक्ष्म वतन में जब तक न जा करके ठहरे, क्रॉस करे, तब तक आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती रहेंगी। और हर धर्म की आत्माएं नीचे उतरती रहेंगी। एक एक जन्म तो उसमें सुख दुख सब भोगेंगे, तो लास्ट में आएंगे तो कैसे भोगेंगे? जो कीड़े मकोड़े होते हैं रात में, बरसात में पतंगे ढेर के ढेर पैदा हो जाते हैं, उनका जन्म भी होता है, उनकी मृत्यु भी होती है। ऐसे ही है, उनकी आयु कम होगी। एक ही जन्म में आधा टाइम सुखी और आधा टाइम दुखी हो जाएंगे। ब्राह्मण परिवार में किसी को खून का दान देना चाहिए है? ब्राह्मण परिवार में है किसी को खून का दान देना चाहिए परिवार में? हाँ, तुम्हारे अंदर ज्यादा खून है तो दे दो, जान बचेगी तो पुरुषार्थ करेगा, जान ही चली जाएगी तो पुरुषार्थ भी नहीं करेगा। और पुरुषार्थ करते करते तुमको दुआएं मिलती रहेंगी। ऐसे धन दान भी दे सकते हैं? ऐसे बीमारी में किसी को धन दान भी दे सकते हैं? हाँ, धन दान भी दे सकते हैं, लेकिन उसकी कोई सीमा नहीं होती है। लेने वाले के ऊपर है कि वो कर्जा लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। क्योंकि बीमारी का इलाज आज करोड़ों रुपए में भी होता है और बीमारी का इलाज दो पैसे में भी हो जाता है। दो पैसे वाला भी जिंदा हो जाता है, बीमारी से उबर जाता है, और 2 करोड़ खर्च करके भी जिंदा नहीं रहता है। बाबा एक बात है कि माता कन्या के माता कन्या उन्हें ज्यादा देह का होना होता है। देह अभिमान तो आत्मा में है, लेकिन देह का होना ये ज्यादा पुरुषों में नहीं होता है। हाँ, पुरुषों को दुर्योधन दुशासन दुख देते हैं या सुख देते हैं तो उनको दुर्योधन कहा जाता है। जो दुष्ट युद्ध करे, प्यार से नहीं सुख ले, क्या करे? गर्दन पकड़ी सुख दो, नहीं तो मार है तुम्हारे जा पड़ा भी। उसको कहते हैं दुर्योधन। दुष्ट युद्ध किया, हिंसक युद्ध किया और सुख ले लिया, नहीं समझ में आया? ऐसे ही दुशासन। हाँ, तो आगे ही रखा, पीछे कहाँ रखा?
अभी जो शब्दों में भी देखा है कि जब यज्ञ करते थे तो यज्ञ करते थे तो माता को राजा के पास रानी भी रखते थे हाँ? तो माता को आगे रखते थे हाँ? तो बाबा जी अभी जो माता बने आगे रखते हैं तो जगदम्बा तो अभी नहीं है और लक्ष्मी भी नहीं आई तो प्रैक्टिकल हाँ? जीवन में जो बाबा ने वरदान दिया हुआ है खास नारायण वाली आत्मा को कि तुम्हारा निवृत्ति का जीवन नहीं है कभी भी, सदैव तुम प्रवृत्ति में ही रहोगे। अभी भी बोला भारत में एक स्त्री चली जाती है तो कहते हैं एक जूती गई दूसरी लेते हैं, दूसरी मर गई तीसरी लेते हैं, तीसरी मर गई चौथी लेते। आपको पता नहीं है तीन देवियों से भी ऊंची कोई देवी है, दादियों की भी कोई परदादी है, भूल गए है? अपना अपना कुल सबको याद रहता है ना। अच्छा एक भारतीय आदर्श माता और एक आदर्श पत्नी दोनों अपने बच्चों के लिए पति के लिए जान दे देते हैं, अगर कंपेयर किया जाए किसका पलड़ा प्यार में भारी पड़ता, माँ का या पत्नी का? माताओं में मोह ज्यादा होता है और पत्नी में मोह इतना नहीं होता है। माताएं मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर लें तो जीत गई। अक्सर क्या होता है जब शादी हो जाती है माता को कोई पूछता नहीं, बेटा जो होता है तो वो तुम कलयुग की बात कर रहे हो या किसी दूसरे युग की बात कर रहे हैं? द्वापर कलयुग वाला। द्वापर में नहीं होता ऐसा शुरुआत में, द्वापर में विकार भी सतो प्रधान होते हैं। और है हीरा पत्थर नहीं होता है, है? हीरा पत्थर होता है कि नहीं होता है? हीरा भी पत्थर होता है, है? उसके ऊपर जब धूल छा जाती है विकारों की तो पत्थर ही हो जाता है। ये अभिमानी की धूल हट गई तो रोशनी ही रोशनी दे, अंधेरे में भी रोशनी देगा। और जो मरते हैं ना एक साथ में अगर कुछ दिन बंद रहता है फिर जब मरना शुरू होता है तो बहुत मरते हैं, बुढ़ा हो मैंने जवान हो मरते हैं जो मरते सॉरी छोड़ते हैं दुनिया लौकिक दुनिया में जब शुरू होता है कुछ दिन के बाद मैंने दो तीन महीना के बाद जब शुरू होता है तो क्या शुरू होता है? वो तो मरते ही रहते हैं, ऐसा कौन सा दिन होता है जब कोई मरता नहीं है? समय मैंने थोड़ा ज्यादा सुनाई देता है कि वहाँ ये आदमी मरा ये आदमी मरा ये आदमी। जब बीमारी फैलती है महामारी फैलती है तो ज्यादा मरते हैं। बिना बीमारी में भी जो बूढ़ा होते हैं शरीर छोड़ने का ऐसे नहीं होता है, वो बूढ़े तो शरीर छोड़ते ही रहते हैं है? ऐसा नहीं कि बूढ़ों को शरीर छोड़ने का कोई मौसम होता है कि मौसम आएगा तो बूढ़े मरेंगे। बाबा कोई 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 कैसेट में औलभ को प्रजापिता क्लैरिफिकेशन में आता है और कोई कोई कैसेट में शिव को आता है। औलभ का क्लैरिफिकेशन में प्रजापिता मीनिंग निकलता है, कोई कोई में शिव निकलता है। शिव शिव औलभ है, खड़ा डंडा है कि नुक्ता है? कोई कैसेट हो तुम्हारे पास तो निकालना। कोई कैसे कैसी सुनी जिसमें बिंदी को अलफ कहा हो? बिंदी नुक्ता है वो अलफ नहीं है, जो पहला अक्षर है उर्दू का वो अलफ है, वो नंबर में आता है, नंबर में पहला नंबर आता है। बिंदु को कोई नंबर नहीं दिया जा सकता, जो नंबर में आवे सो चक्कर में भी आवे वो न नंबर में आता है न घन चक्कर में आता है न शक्ति चक्कर में आता है। गलत फहमी हो गई आपको।
हाँ अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बात सही। हाँ जी, वो कन्यान बात किए थे ज्ञान नीचे गिरा थे उसका मतलब है, वो कन्यान कन्या जी जो बात किए थे पहले ज्ञान धारणा पॉइंट क्या नीचे गिरा थी, क्या धारणा पॉइंट क्या नीचे गिरा थी, धारणा का पॉइंट नीचे गिराती है। मतलब दादा लेखरा जब जाएगी पानी चलाते है गुलजार नदी में तो धारणा का पानी है चलाती है, वो धारणा देवता धारणा होती है, वो देव आत्मा है ना, वो देव आत्मा जब गुलजार दादी में, सुन लो, जो देव आत्मा जब गुलजार दादी में प्रवेश करती है तो तीक्ष्ण याद में होती है, क्योंकि अपने परिवार के बीच में होने से नशा ज्यादा चढ़ेगा या कम चढ़ेगा, तो ज्यादा नशा चढ़ जाता है एकदम, नशा चढ़ जाता है, याद जो है गहरी हो जाती है, और जब गहरी याद हो जाती है तो अवस्था सतो प्रधान बनती है या तमो प्रधान बनेगी, तो वो देवात्मा की सतो प्रधान स्टेज होती है, उस सतो प्रधान स्टेज में जैसे बड़े बड़े कवि हुए हैं, उन कवियों ने जो कविता की है वो कविता में सच्चाई भरी हुई है या झूठा है, है? कविता में भी सच्चाई, पुराने पुराने जो फिल्मी गीत हैं जो सतो प्रधान स्टेज में बनाए गए हैं, जब फिल्में पहले पहले बनना शुरू हुई थी, उन गीतों में सच्चाई भरी हुई है झूठा है सच्चाई, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा की अपने परिवार के बीच में सतो प्रधान स्टेज बनती है याद में, और जो भी वाक्य मुंह से निकलते हैं भले उनके अर्थ को वो खुद नहीं जानते हैं, क्या खुद नहीं जानते हैं कि बेहद में परदादी कौन है, बेहद में रमेश कौन है, बेहद में जगदीश कौन है, नहीं जानते हैं तो भी वो वाणी उच्चारण होती रहती है और वो हमारे काम किया जाती है। माँ बापा का शरण में प्रवेश करने से उल्टी पलटी कुछ करते हैं मन में, है? माँ बाबा की शरण में प्रवेश करने के बाद में वो उल्टी पलटी इधर उधर, यहाँ तो बीज रूप आत्मा है ना राम की, जो गुलजार दादी है वो बीज रूप स्टेज बनती है क्या उनकी, नहीं, वो तो बीज रूप स्टेज वाली आत्मा है ही नहीं, वो तो लास्ट नारायण जब आएगा सतयुग में परम धाम से, तब उसका संग का रंग उसने संगम युग में लिया है, उस आत्मा ने अनेक वर्षों तक कमला नगर सेंटर में, तो उसी के साथ वो वहां भी जन्म लेगी, आठवां नारायण वो भी नारायणी बन जाएगी, तो उसकी बुजुर्ग स्टेज बनेगी क्या, नहीं बनेगी, ये राम वाली आत्मा तो बीज रूप स्टेज वाली आत्मा है। और बाबा अभी कंपनी में जो सेवा चल रही है, है? तो बताया जो सरेंडर होते हैं उनको कम से कम 16 घंटा सेवा करना चाहिए, है? तो वहाँ जो रह रहे हैं है? 8 घंटा या 6 घंटा कर रहे हैं, अरे 1 घंटा भी नहीं करते कोई, तो उनको बोझा चढ़ता होगा ना, खेत में भी चंडीगढ़ में ऐसे ही था, 150-100 लोग रहते थे और काम करने वाले 6-7 ही होते थे, अभी भी ऐसे ही है, तो उनको तो बोझा चढ़ता होगा ना, जैसे तमो प्रधान कैसे बनते हैं, उससे अच्छा तो बाहर रहे, और तुम्हें दास दासी ज्यादा चाहिए कम चाहिए, जब राजाएं बनेंगे तो राजाओं को ढेर के ढेर दास दासी चाहिए या थोड़े चाहिए, ढेर के ढेर कैसे बनेंगे, है? ऐसे ही बनेंगे, दादा, सभी टेबल बच्चे को बाबा अच्छे मिलते हैं, सभी टेबल बच्चे को बाबा को अच्छे मिलते हैं, अच्छा अच्छे लगते हैं, याद करते हैं, अच्छे लगते हैं, याद करते हैं, जो हम लोग घर में रहते हैं और बाहर सर्विस नहीं करा पाते, तो कौन सा सर्विस, माने बाबा के घर में जाके आप मकान नहीं बना पाते हैं, आप घर में रहते हैं, हाँ ऐसे नहीं, कैसे क्लियर करो थोड़ा, है ज्ञान का जो बचना नहीं सीखते, नहीं देते तो बांटना नहीं जाता, हाँ घर में रहते हैं, घर में रहते हैं, ज्ञान नहीं, हाँ हम लोग के लिए सर्विस कैसे होगा, क्या कैसे होगा,
सेवा कैसे होगा? जो सेवा करते हैं और सेवा करने के बाद ये समझ के बैठ जाते हैं हमने ज्ञान दिया, हमारी बात मानो, उनकी सेवा हुई या सेवा का फल ले लिया उन्होंने, है? है। और माताएं कन्याएं जो हैं वो ऐसा अहंकार में मोस्टली नहीं आती हैं। क्या अंत में माताएं कन्याएं खास करके वो जो युगल हैं बहुत सेवा करेंगे। और माता का प्रश्न है, है जो कन्या माता, एक मिनट, है जो कन्या माता है वो भाई लोगों के साथ तो मैंने बच्चे लेंगे, संदेश लेंगे, वो कोर्स करवाएंगे, वो बाद में कच्चा हो जाएंगे क्या, ये तो पूछ रहे हैं। माताएं कन्याएं जो भाई लोगों के साथ कोर्स लेंगे, अगर कोई भाई बाबा किसी माता कन्या का कोर्स करवाता है तो, अच्छा भाई किसी माता या कन्या का कोर्स करवाता है तो कच्चे रह जाएंगे क्या? वो माता कन्या बाद में कच्चे हो जाते हैं, पूछ रहे हैं एक माता। ये तो मालूम है भाइयों को दुर्योधन दुशासन कहा है, है? और ये तो मालूम है कि भाइयों को ज्ञान का कलश नहीं दिया है, तो दोनों बातें मालूम है। फिर भी भाई लोग नहीं मानते हैं, क्या है? तो कोई भी माता को साथ लेकर के आपकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते। बहुत लोग करते हैं, हैं? करते हैं। अच्छी बात है, अच्छे भी हैं दुनिया में और बुरे भी हैं। अच्छा बाबा, वो जो दोस्तानों को माता माता लोगों को बुलाते हैं सेवा करने के लिए, सेवा हो नहीं सकता किसी को आता नहीं, वो चाहते हैं माता को बुला के यहाँ सेवा करना है, और जानने से क्या ठीक होगा ना बुरा? सेवा करने से बुरा होता है क्या? फिर भी वहाँ का लोग थोड़ा नाराज हो जाते हैं, जब बुलाते हैं तो नाराज क्यों हो जाएंगे? जब वो सेवा करने के लिए बुला रहे हैं तो नाराज क्यों होंगे? कुछ आत्माएं बोलते हैं दूसरे के कि हम लोग तो है, हम लोग को नहीं बुलाया, दूसरे को क्यों बुलाया, दूसरे जगह से माता को क्यों बुलाया? अच्छा, माने दूसरी माताएं कहती हैं हमको क्यों नहीं बुलाया? माता लोग नहीं भाई, माता लोग तो बुलाते हैं, माताओं को बुलाया जाता है और भाइयों को नहीं बुलाया जाता है? नहीं नहीं, भाई लोग ही कहते हैं, जो माता बुलाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग यहाँ है, जो युगल जोड़ा रहते हैं वो बोले वो सिंगल माता को क्यों बुलाया, हम तो युगल है, हम लोग को क्यों नहीं बुलाया? अच्छा अच्छा, वो जो युगल जोड़ा है ना वो ज्ञान को आने के बाद भी शादी कर लिया, ज्ञान को एडवांस कोर्स लिया फिर शादी कर लिया, और वो इससे जो वहाँ का लोग नहीं चाहते उनसे ज्ञान, तो शादी कर लिया तो बर्बादी कर ली ना, तो उनको कोई क्यों बुलावे, बुलावेगा क्या मरने के लिए बुलावेगा? जो जैसा होगा वैसा ही बनावेगा, अगर शादी करने वाला होगा तो दूसरे को क्या पढ़ाई पढ़ाएगा? तुम भी अपने बाल बच्चों की शादी कर लो, क्या हमारी नाक कटी? सब सब नाक कटवा लो, नकटों की संख्या ज्यादा हो जाए। बातें चलने दो, अपना काम करना है। हाँ, है? 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 अपना अपना कैसे सेवा करे? जो माता है घर में रहती हो कैसे सेवा करे? मनसा सेवा करो, माने हम बांदेली माता ना, बांदेली माता है मनसा तो है, छोड़ देते हैं। हाँ, पर वो युगल ज्ञान में नहीं चलती है, युगल ज्ञान, युगल ज्ञान में नहीं चलती है, परंतु वो फ्रीडम छोड़ा हुआ है माताओं को, वो माता बोलती है कि कैसे हम सेवा करें। अच्छा, खुद की बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है? नहीं बाबा, ज्ञान में युगल नहीं चलते, और हम लोग सेवा के लिए जाना। अच्छा, बांदेली माता है, बांधेली माताएं अगर सेवा में जाना चाहती हैं और उनके पति उनको परमिशन नहीं देते हैं, देते हैं आप नहीं जाते हैं? नहीं जा पाते, हम घर में रह के कैसे सेवा करें? मनसा सेवा नहीं कर सकते?
वो बाहर जाना नहीं चाहती है, घर में रहकर कैसे सेवा करे, परंतु पति फ्रीडम छोड़ा हुआ तुम जा सकती हो, माता नहीं जा। अगर कम उम्र की माता है, पति ने परमिशन दी हुई है, तो कोई बूढ़ी माता को मिचौन माता को साथ लेके सेवा करे। बाबा एक स्थान पर एक माता अच्छी कोर्स करवाती है और एक स्थान पर जो माता ठीक से कोर्स करवा नहीं सकती है, अगर नहीं करवा सकती है और दूसरे माता को ला करके करवाए कोर्स, वो अच्छा है या खुद जितना जानती है थोड़ा बड़ा कोर्स करवा के बाबा के पास ले जाए, वो अच्छा है? जो अच्छे होते हैं उनको निमंत्रण दिया जाता है कि अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, ये जाकर के सेवा करें तो अच्छी अच्छी आत्माएं निकलेंगी, नहीं तो कहेंगे ये समझाने वाली बुद्धू है। परंतु कुछ जगह पर मैं हो जाती है, कुछ जगह पर मैं भी उससे आता समझाऊंगा, परंतु जिज्ञासु या दूसरे सुनने वाले को पसंद नहीं है, वो अपने मुंह से बोलते हैं कि नहीं मैं समझाऊंगा, परंतु उनका समझावन किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन लेकिन दूसरा जो समझने वाला है वो पसंद नहीं कर रहा है, परंतु उसके सामने भी नहीं बोल रहा है। किसके सामने? वो माता के सामने से बोल रहा है। वाइब्रेशन को समझ लेना चाहिए ना, कोई नहीं सुनता है तो समझ में आ जाता है कान हिला रहा है कि नहीं हिला रहा है, या ऐसे बैठा है जैसे सुना सुना अनसुना। नहीं उसको तो प्रूफ देना ना माता को, वो जैसे भी बनाया हाँ बोल के बाबा के पास ले गए, पर आने के बाद वो कच्चा आत्मा बन गया। सर्विस अच्छी ही करनी चाहिए, देखो भावना का भाड़ा मिलता है, शो भावना है तो श्रेष्ठ भाड़ा मिलेगा। भावना ये भी हो सकता है मेरे से सेवा नहीं हुआ, पर तो दूसरे भाई अच्छा सेवा कर रहा है तो ले जाना चाहिए। मैं नहीं करूँ उससे मैं सेवा करवा दूँ ले जाऊँ, उसमें तो मेरे को भी फल कुछ मिलेगा ना। हाँ जी अच्छी भावना अच्छी है ना। हाँ एक मिनट। हाँ अच्छा भारतवासी जो है वो अनेक औरतें रखने वाले राजाएं बने या ये एक औरत रखने वाले राजाएं बने बताओ? भारत के राजाओं ने अनेक औरतें रखी या एक रखी? कोई मर्यादा रही? और इस्लामियों में तो मर्यादा है कि एक शादी करो, दो कर लो, नहीं पूर्ति होती है तीन कर लो, चार कर लो, इससे ज्यादा करेंगे तो जेल में डाल दिया जाएगा। तो हिंदुओं से अच्छे हैं या खराब हैं? कोई नियम कानून रखा है? हिंदुओं ने तो कोई नियम कानून नहीं रखा, और इस्लामियों ने नियम कानून रखा, और उनकी यूनिटी अरब देश में जब हज करने जाते हैं तो दुनिया की सबसे ज्यादा यूनिटी वहां देखने में आवेगी। इतनी बड़ी संख्या में दुनिया में कोई धर्म के लोग नहीं इकट्ठे होते, वो प्योरिटी की यूनिटी देखने में भी आती है। नहीं आती? आती है। हाँ बाबा कृष्ण का मिट्टी खाना है, कृष्ण का मिट्टी खाना, शिव का विष पीना और राम कृष्ण वाली आत्मा का यमुना पार होना में क्या अंतर है बाबा? राम ने यमुना पार की, राम को लेते राम तो वसुदेव बन के अपने बुजुर्ग की टोकरी पर कृष्ण बच्चा को पार करवाया ना। अरे वो वसुदेव अलग बात हो गई, वो पार्ट अलग हो गया। प्रश्न को क्लियर करो। नहीं बाबा ठीक है, दो बात बच्चे का मिट्टी खाना का क्या है? कृष्ण को भगवान कहते हैं इसलिए मिट्टी खाते हुए दिखा दिया। हाँ बचपन है, ब्राह्मण परिवार से क्या राज है? क्या ब्राह्मण परिवार में राज है? मिट्टी तो हो गया, देवान की मिट्टी, देह अभिमान को मिट्टी कहा जाता है। और बाबा किसी तो बताया गया वो तो अभोक्ता है, तो विष कौन पीता? चार बज गए, जिनको जाना हो एक घंटा लग जाएगा स्टेशन पहुंचने में। हाँ हाँ जी है, जब निकलते हैं कुछ गालियाँ
आप उसको अच्छा रखते हैं और गाली देते हैं, तो ये सब है? माने भावना अच्छा रखते हैं लेकिन मुंह से गालियां देते हैं उसके, माने इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। भावना अच्छी है, बच्चे को गाली देते हैं, बच्चे को मारते भी हैं, लेकिन ऐसा करने में माता की भावना तो अच्छी है लेकिन इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, इसलिए गड़बड़ हो जाते हैं। बाबा बहुत आश्रम में मिनी बचपन में हो या पाठशाला में, बाबा और दुर्योधन दुर्शासन भाई को बोल दिया, मतलब वो एक ऐसी दृष्टि से माता लोग भी देखते हैं, मतलब भाई अगर कोई बातचीत बोले या कुछ जैसे अछूत का जैसा व्यवहार कर लेते हैं, माता का न्याय भाइयों का अछूत का जैसा कहीं कहीं व्यवहार कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है बाबा? दुर्योधन दुर्शासन बोल, बाबा को तो सब कुछ कहने का हक है, परंतु माता का न्याय का ऐसा व्यवहार होता है? आपस में भाई बहने एक दूसरे को शुभ भावना शुभ कामना से ही देखें, ये बाहर से ट्रीट करने की बात नहीं है। नहीं बाबा, बहुत सी जगह पर ऐसा अनुभव हुआ है कि अगर अनजाने वक्त कोई जगह पर कोई बहन है चली गई, जैसे अछूत को जैसे व्यवहार किया जाता है, ऐसे नहीं 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 ऐसे इस तरह का करने का भी एक तरीका रहता है। हाँ तो ध्यान नहीं रहता ना कि आत्मा स्त्री भी बनती है, आत्मा पुरुष भी, जो ऐसा व्यवहार करता है उसको ये नहीं ध्यान रहता कि हमने भी पुरुष जन्म लिए हैं, हम भी दुर्योधन दुशासन बने हैं, ये बात उनको याद रहती है नहीं रहती, इसलिए ऐसा व्यवहार करते हैं। हाँ हाँ छिन्न छिन्न मस्तक, काली की जमीन रहती है, काली की ऊपर जमीन छिन्न मस्तक। हाँ माने जिसको मन बुद्धि अकल नहीं काम कर रही है क्या? हाँ फैसला कर लिया, सर कटने से पहले ही फैसला कर लिया कि ये दुश्मन है और उस दुश्मन का सर काटना है, ये बुद्धि ने फैसला कर लिया, लेकिन उसका सर काटने से पहले ही अपना सर काट दिया दुश्मन ने, तो उसने तो ऑर्डर दे दिया ना, दिमाग ने क्या किया, ऑर्डर दे दिया, तो हाथ जो है वो अपना काम करके तब छोड़ेंगे। हाँ जी,